हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी मैंने कल ही आपको PCS का जो सिलेबस था उसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, तो मुझे आज ऐसा लगा, जो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, मुझे आज ऐसा लगा कि दोस्तों हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग हिस्ट्री बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है, ज्योग्राफी भी NCERT के माध्यम से कवर ही कर रहे हैं, ठीक है, पॉलिटी को भी अच्छा खासा हम लोग कवर कर चुके हैं और ज़्यादातर लोग संविधान के जो क्वेश्चन होते हैं वो अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग कुछ ऐसे टॉपिक को कवर करते हैं जो हम लोग नहीं पढ़ते हैं। जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स के टर्म को रोज़ कवर करें, ठीक है, इकोनॉमिक्स के खूब सारे क्वेश्चन कवर करें, खूब आपको अच्छे से मैं समझाऊं उसको, मैं आपको इन्वायरमेंट के क्वेश्चन समझाऊं, मैं आपको इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन पढ़ाऊं, मैं आपको जनगणना से संबंधित, खनिज से संबंधित, कहां पे कौन से तत्व ज़्यादा पाए जाते हैं, मिट्टी से संबंधित, ये सारी चीज़ आपको मतलब ऐसे फैक्ट दूं जिसे आप वाकई में नहीं पढ़ते हैं, यानी कोई ऐसा टॉपिक जो आपका कमज़ोर हो, जो आपका कम, जैसे अभी मैं अगर आपको महाजनपद काल या मौर्य काल का क्वेश्चन आंसर कराऊं तो यार आप सभी लोगों को पता है मौर्य काल के बारे में, मौर्य काल के बारे में ज़्यादातर बातें मैंने आपको बता चुका हूं, अगर आप वीडियो देखें तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे। तो मैं चाह रहा हूं कि मैं आज से लेके ये काम शुरू कर रहा हूं, देखता हूं कि क्या परफॉर्मेंस रहता है हमारा। तो इसके थ्रू क्या करेंगे कि ऐसे टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे जो अक्सर हम लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं। किस वजह से नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि हमें अच्छा मटेरियल अवेलेबल नहीं हो पाता। तो मैं उन टॉपिक में आज पहला टॉपिक चूज किया हूँ, भारत में आर्थिक नियोजन, ठीक है, भारत में आर्थिक नियोजन। और दोस्तों आज ये टॉपिक मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आज ही शाम को मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, इससे संबंधित टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, टॉप 50 क्वेश्चन आपके सामने आने वाले हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। देखता हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ आपको, शाम को इसी से संबंधित 50 क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी उसमें शामिल रखेंगे, ठीक है, और देखता हूँ कि आप कितना कर ले जाते हो। तो अभी पढ़ो, आज ही शाम को आपको क्वेश्चन मैं प्रोवाइड करूँगा, ओके, चलिए। और जो लोग बाद में वीडियो देख रहे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जा करके इस सीरीज को देख लें, ठीक है। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों भारत में आर्थिक नियोजन। क्या है आर्थिक नियोजन? याद रखिए, भारत में आर्थिक नियोजन ये कहाँ से लिया गया है, ये पूर्व सोवियत संघ, जिसको USSR बोलते थे, ठीक है, पूर्व सोवियत संघ, इसको रूस को बोला जाता था, तो वहाँ से प्रेरित होकर हम लोगों ने इसे लिया है। एक्चुअली दोस्तों, आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है, आर्थिक नियोजन मीन्स होता क्या है, ये भी तो जानना बड़ी बात है। तो दोस्तों, आर्थिक नियोजन माने होता है कि हम किसी भी देश का विस्तार विकास कैसे करें, ठीक है, और इसके लिए जब भारत में आर्थिक नियोजन आया, कहाँ से प्रेरित होकर, सोवियत संघ रूस से प्रेरित होकर, तो हमने सबसे पहले तो हमारा देश यार 1947 में आज़ादी हुआ, बहुत ध्यान से कहानी सुनिएगा। आज़ादी के बाद हमारे पास सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पहले हम एक संविधान बना लें ताकि हम एक नियम कानून के दायरे में आ जाएं कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमने बनाया संविधान, संविधान को बनाने में पूरा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लग गए, ठीक है, और 18 दिन लग गए। इतने लंबे समय के बाद हमारा संविधान बन के पूर्ण हुआ, संविधान को हमने लागू भी किया। इसके बाद क्या हुआ दोस्तों, हमारा फोकस गया कि अब हम अपने देश के विस्तार और विकास के बारे में सोचें। तो सबसे पहले हमने एक संस्था बनाई 15 मार्च 1950 को, जिसका नाम दिया दोस्तों योजना आयोग। बहुत ध्यान से सुनिएगा, पूरी कहानी बताऊंगा मैं, आर्थिक नियोजन अब तक कैसे रहा ये सब बताऊंगा आपको। तो 15 मार्च 1950 को एक आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया दोस्तों योजना आयोग। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि योजना आयोग जो है ये क्या है, ये संवैधानिक संस्था है, संविधानेतर है, तो ये क्या है? तो आप याद रखिए, इसको आप संविधानेतर बोलिएगा। क्या बोलिएगा? संविधानेतर। एक्चुअली में संविधानेतर होता क्या है? संविधानेतर माने होता है दोस्तों जिसके लिए अलग से आयोग बनाया तो गया हो, लेकिन हमारे संविधान में उसके लिए किसी अनुच्छेद को न दिया गया हो, ठीक है, यानी किसी अनुच्छेद में इसकी चर्चा न की गई। जैसे अगर मैं बात करूँ वित्त आयोग, बताइए क्या है ये, संवैधानिक है या फिर संविधानेतर है? तो वित्त आयोग की चर्चा दोस्तों अनुच्छेद 280 में किया गया है, यानी ये क्या है, ये आपका संवैधानिक संस्था हो गया, यानी ये आपका संविधानेतर नहीं है। लेकिन योजना आयोग वहीं पे क्या है, ये आपका संविधानेतर है, याद रखोगे ना आप लोग, गलती मत करना। आगे है, भारत में आर्थिक नियोजन से संबंधित सबसे पहला विचार किसने प्रस्तुत किया? तो इस विचार को दिया था एम विश्वेश्वरैया ने। मैंने आपको GS के डोज में पढ़ाया था, इनका पूरा नाम था मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, और बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे और भारत के लिए उन्होंने बहुत सा काम किया, बहुत 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 काम किया है, ठीक है, यह एक इंजीनियर के रूप में अपनी भूमिका निभाते हैं। और दोस्तों, जो बहुत सारे बांध भारत में बने हैं वो इन्होंने बनाया, भारत के इकोनॉमी के ऊपर तमाम किताबें भी लिखी। इन्हीं की एक किताब थी दोस्तों प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, बहुत फेमस किताब है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। इसी में सबसे पहले 1934 में इन्होंने यह विचार प्रस्तुत किया कि भारत में भी एक आर्थिक नियोजन जैसी संस्था होनी चाहिए।
आगे चल के दोस्तों 1944 में बॉम्बे प्लान आया। क्या आया दोस्तों? इसके बाद बॉम्बे प्लान आया ठीक 10 साल बाद। किसके अध्यक्षता में आया? तो आरदेसिर दलाल की अध्यक्षता में यह 8 उद्योगपतियों का एक समूह था जिसने बॉम्बे प्लान को सुझाया। इसके बाद दोस्तों 1944 में श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना प्रस्तुत की गई। ठीक है, 44 में ही बॉम्बे प्लान भी आया था और 44 में ही आपकी गांधीवादी योजना भी आई थी, तो इसको सबसे पहले जो है प्रस्तुत किया गया। इसके बाद आगे पढ़ोगे, अभी सर्योदय योजना बताऊंगा, एक सेकंड। ठीक है, तो याद रखें, सॉरी। तो इसके बाद दो 1945 में एक जनता योजना भी आया दोस्तों, जिसको किसने लेके आया? तो एम एन राय लेके आए थे। इसको पीपुल्स प्लान्स नाम दिया गया। बहुत ध्यान से सुनिए जो कंडीशन चल रही है। सबसे पहले 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया अपनी किताब में इस विचार को प्रस्तुत किया। 1944 में बॉम्बे प्लान तैयार किया गया आरदेसिर दलाल की अध्यक्षता में। इसमें 8 उद्योगपतियों ने मिलकर भाग लिया। 1944 में ही दोस्तों क्या आया? श्रीमन नारायण द्वारा गांधीवादी योजना लाई गई। गांधीवादी योजना किसने लाया था? श्रीमन नारायण। सब याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बता रहा हूँ। यहीं से दोस्तों पीसीएस प्री और पीसीएस मेंस में क्वेश्चन बनते हैं। मैं कह रहा हूं कि एक महीना आप हमारे साथ चलो। अगर मैं आपको ऐसे, मुझे पता है कहां से आएंगे, पता है मैं आपको मेहनत से पढ़ा रहा हूं ना। तो अभी तक मेरा फोकस था कि आपको मेहनत से मैं सब्जेक्ट क्लियर करूं। अभी भी मेरा फोकस वहीं पर, थोड़ा सा ब्रेक मैंने लगा दिया हूं। ठीक है, एक दो दिन में स्टार्ट हो जाएगा। तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, आपको अच्छे अच्छे प्रश्न ला के दे रहा हूं। ठीक है, जो आपके एग्जाम पॉइंट है उसे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एम एन राय को याद रखिए, 1945 में एम एन राय ने पीपुल्स प्लान तैयार किया। इसके बाद दोस्तों एक सर्वोदय योजना भी आई थी। सर्वोदय योजना ये कौन लाए थे? तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा तैयार किया गया था 1950 में। जिस समय, जिस साल हमारा योजना आयोग बना, उसी वर्ष क्या बना था? सर्वोदय योजना भी बना था। अच्छा, इसके पहले अगर हम बात करें, काफ़ी पहले, तो दादा भाई नौरोजी, ठीक है, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, तो इन्होंने पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया पुस्तक लिखा था। उसमें भी इन्होंने इस तरह के प्लान की चर्चा किया था, लेकिन वो आर्थिक नियोजन से थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा अलग था। इसलिए हम ये मानते हैं कि एम विश्वेश्वरैया ने ही सबसे पहले विचार दिया था, इनका नाम नहीं लेते थे। हालांकि इन्होंने सबसे पहले जो है भारत के राष्ट्रीय आय पे जो है बातें कही, जिसमें उन्होंने बताया था कि भारत की राष्ट्रीय आय कितना था? 20 रुपया पर व्यक्ति। ठीक है, तो तमाम सारी चीज़ें लिया, ड्रेन वेल थ्योरी के बारे में भी बताया। ठीक है, धन निष्कासन का सिद्धांत भी किसने दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। इस पुस्तक के माध्यम से भारत से धन के इंग्लैंड पलायन तथा राष्ट्रीय आय के आकलन संबंधी विचार भी रखे गए थे, लेकिन वो क्या थे, आपके आर्थिक नियोजन से थोड़े से डिफरेंट थे, थोड़े से अलग थे। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने कहा भी था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं, गंगा नदी से पानी सोख ले रहे हैं। अंग्रेज एक ऐसे सोखता है कि ये सोख ले रहे हैं और टेम्स में ले जाकर निचोड़ दे रहे हैं। टेम्स कहाँ पर है? लंदन में। आर्थिक नियोजन समाजवादी अर्थव्यवस्था तथा लोक कल्याणकारी राज्य का एक आवश्यक लक्षण माना गया। दोस्तों क्या कहा गया कि जो प्लानिंग कमी जो ये सॉरी जो ये आर्थिक नियोजन है, ये क्या है, ये समाजवादी व्यवस्था को तैयार करता है और किसी भी लोगों के कल्याण के लिए सबसे जरूरी चीज़ है। ठीक है, नियोजन दो दोस्तों, नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। कहाँ का विषय है? नियोजन समवर्ती मतलब ऐसा सूची जिस पर केंद्र भी अपना काम करेगी और राज्य भी काम करेगी। तो अगर आपसे कहा जाए भैया कि व्यक्तियों के सुरक्षा का दायित्व तो राज्य की नहीं है, खाली केंद्र का है, तो ऐसा थोड़े हो सकता है। यानी पूरा कल्याण करने का काम केंद्र का भी है और राज्य का भी है, दोनों ही कल्याणकारी चीज़ों में भाग लेंगे। तो नियोजन कहाँ का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो आपके ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, याद है ना। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, योजना आयोग का संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, इसलिए एक गैर संवैधानिक निकाय भी था जिसका गठन था माने अब नहीं है, अब इसके जगह नीति आयोग आ चुका है, जिसका गठन मंत्रिमंडल के संकल्प से हुआ था। योजना आयोग का कार्य देश के संसाधनों का अनुमान लगाकर विकास के कार्य को योजना सुझाना था। यानी योजना आयोग को बनाया किस लिए किया गया था? तो योजना आयोग में सबसे पहले अनुमान लगाया जाता था कि हम अपने देश में विकास के कार्य कैसे करें। एक रूपरेखा तैयार होती थी, एक प्लान तैयार किया जाता था और उसी प्लान पर हम लोगों ने आगे चल के पंचवर्षीय योजनाओं को शुरू किया और 5 साल में एक लक्ष्य रखा कि हमें जो है इतना ग्रोथ रेट प्राप्त करना है और उसी हिसाब से हमने काम भी किया। ठीक है, इस प्रकार योजना आयोग को आप एक परामर्शदात्री संस्था भी कह सकते हो। तो देखो, योजना आयोग को आप क्या कह सकते हो? परामर्शदात्री कह सकते हो, गैर संवैधानिक कह सकते हो, संविधानेतर कह सकते हो। ये सारा टर्म्स याद रखो।
योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग से लेकर के नीति आयोग जब ये बदल भी गया तो भी इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? जो भारत का प्रधानमंत्री होता उस समय वही इसके अध्यक्ष होते हैं। तो पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके जवाहरलाल नेहरू। पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम स्वीकृति कब कौन देता था? तो ये स्वीकृति देता था दोस्तों NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। योजना आयोग खाका तैयार कर दिया। अंतिम रूप से स्वीकृति कौन देता था? NDC देता था। NDC बनाया कब गया? तो 6 अगस्त। 6 अगस्त को क्या हुआ था? हिरोशिमा पर बम गिराया गया था, ठीक है, लेकिन 1945 में। ये 6 अगस्त 1952 को इसका स्थापना हुआ था NDC का, और यह अंतिम रूप से स्वीकृति देता था। स्वीकृति देने के साथ साथ दोस्तों ये जो है पंचवर्षीय योजनाओं पर नज़र भी रखता था कि वहाँ पर जो कार्य हो रहे हैं वो ठीक ढंग से हो रहे हैं कि नहीं। मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, शाम को टेस्ट है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स अचीव करने हैं, मैं नहीं जानता कुछ, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, अच्छे से समझो, क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं आती है। बहुत ध्यान से पढ़ो। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है और समस्त केंद्रीय मंत्री तथा राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं, ठीक है। योजना आयोग का सचिव राष्ट्रीय विकास परिषद का भी सचिव होता है। जो योजना आयोग का सचिव होता है वही क्या होता है? NDC का भी सचिव होता है। चलिए अब ये चीज़ चेंज हो गया, ये आ गया नीति आयोग में, तो इसके बारे में समझ लेते हैं। नीति आयोग को बोला जाता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो नीति आयोग क्या है? नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। जो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना हुई। भारत सरकार द्वारा गठित किया गया एक नया संस्थान है। इसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम करता है, ठीक है। प्रधानमंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। नीति आयोग केंद्र और राज्य सरकार को आर्थिक विकास एवं नीतियों के संबंध में परामर्श देता है। किसको किसको? केंद्र को भी देता है और राज्य सरकार दोनों को देता है। आर्थिक विकास कैसे किया जाए, नीतियां कैसे बनाई जाए, इसके विषय में जो है परामर्श देता है। इसमें आर्थिक मोर्चे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय आयात, देश के भीतर साथ ही साथ अन्य देश की बेहतरीन प्रतिधियों का प्रसार, नए नीतिगत विचारों का समावेश और विशिष्ट विषयों पर आधारित समर्थन से संबंधित मामले शामिल किए जाते हैं, ठीक है। यानी पूरे देश में आर्थिक विकास से संबंधित सोचने का खजाना कहाँ पर है? तो आपके नीति आयोग में है, ठीक है। बहुत बढ़िया है, ठीक है, हालांकि अच्छे से काम करे। योजना आयोग और नीति आयोग में जो मूलभूत अंतर है, अगर आपसे ये कोई जानना चाहे कि यार क्या अंतर हो गया, इसके बदला इसका नाम बदलने से कोई अंतर हो गया क्या, तो आप क्या बताओगे? कि पूर्ववर्ती योजना आयोग अत्यधिक केंद्रीकृत था, जबकि नीति आयोग राज्य सरकारों के सहयोग से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजनाओं का निर्माण एवं क्रियान्वयन का कार्य करता है, ठीक है। तो याद रखिए, और नीति आयोग का जो फोकस होता है दोस्तों, खासकर सबसे पहले ये पायलट योजना तैयार करता है। पायलट योजना क्या होता है? किसी भी योजना से संबंधित हो सकता है पायलट योजना। जैसे अगर मान लीजिए नीति आयोग ने तैयार किया कि चलिए हम एक काम करते हैं, हम जो है किसी भी राज्य को पॉलीथीन मुक्त, ठीक है, प्लास्टिक मुक्त बनाने का काम करते हैं। तो प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले कुछ राज्यों का चयन करेगा कि कहां पर योजना लाई जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जहां पे वो ट्रायल मारेगा उसी को बोलते हैं पायलट योजना। वही राज्य क्या होती है? पायलट योजना का हिस्सा होता है। उसके बाद धीरे धीरे सभी राज्यों में लागू हो जाता है। अब आइए हम बात करते हैं पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में, जहाँ से कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो बन ही जाते हैं हर एग्जाम में। तो आज मैं रटाने वाला हूँ आपको पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करते हैं, ठीक है। पहली पंचवर्षीय योजना स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 1951 से और 31 मार्च 1956 तक चली, 5 साल तक चली, ठीक है। इस योजना को तैयार किया था दोस्तों हेराल्ड डोमर ने, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हेराल्ड डोमर योजना। पहली योजना को किसने तैयार किया था? हेराल्ड डोमर ने, ठीक है। तो याद रखिए, कई बार आपसे एग्जाम पूछता है हेराल्ड डोमर, याद रहेगा। अच्छा, अभी अभी हमारा देश, अब देखो प्राथमिकता क्या है, प्राथमिकता आपको रटना नहीं है, प्राथमिकता आपको रटना नहीं है, समझना है। अभी अभी हमारा देश आज़ाद हुआ था, इतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा नहीं था, पूंजी नहीं था कि लोग फटाफट कंपनी खोल लें, फटाफट दुकान खोल लें, ऐसी स्थिति नहीं थी। तो सरकार चाहती थी कि सरकार मूलभूत चीज़ों को पूरा करे, ठीक है। तो उसका फोकस कहाँ पे था? मूलभूत। देखो सबके पास कुछ ना कुछ ज़मीनें थी और उसी आधार पर सरकार चाहती थी कि अगर लोग कृषि में बिजी हो जाएंगे तो क्या होगा, इससे हमारे देश में उत्पादन भी बढ़ जाएगा और लोगों को रोज़गार भी मिल जाएगा। तो सरकार ने फोकस किया कृषि पर, सरकार ने फोकस किया सिंचाई पर, ठीक है। कृषि होगी तो कृषि के लिए सिंचाई का भी काम करना होगा, तो जगह जगह नहरों का निर्माण करना, ये सब सरकार ने अपनी प्रथम योजनाओं में शामिल किया। साथ ही साथ उद्योग को भी शामिल किया, लेकिन पूरी तरीके से यहाँ पे नहीं, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर पूरा का पूरा ध्यान दिया गया है,
ठीक है। तो कृषि, सिंचाई और उद्योग, दोस्तों जो लक्ष्य रखा गया वो रखा गया कि हम 2.1 जो है लक्ष्य रखा गया कि कम से कम इतना ग्रोथ भारत में हो, लेकिन बहुत अच्छा रहा दोस्तों लक्ष्य की प्राप्ति हुई 3.6%, बहुत अच्छा रहा। तो पहली पंचवर्षीय योजना हमने सक्सेसफुल लॉन्च किया। और जो विशेष यहाँ पे रहा वो क्या था कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम यहाँ पे प्रारंभ होता है। दोस्तों फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी इसके पहले देखो 1951 में योजना चालू हो गई, ठीक है। 51 में चालू होने के बाद सरकार को लगा यार कि कोई ऐसी संस्था होती जो देखती कि योजना ठीक ढंग से काम कर रही कि नहीं कर रही है, तो मज़ा आ जाता। सरकार ने तुरंत नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बना लिया, ठीक है, राष्ट्रीय विकास परिषद ये बना लिया। कब बना लिया, तो मैंने अभी पीछे ही आपको पढ़ाया है कि 6 अगस्त 1952 को NDC तैयार कर लिया गया, ठीक है। और NDC तैयार करने के ठीक बाद सरकार को लगा, अच्छा NDC ने उनको तुरंत रिपोर्ट भी किया कि हाँ यार बढ़िया से काम कर रही, बढ़िया से कल्याण चल रहा है। सरकार ने तुरंत एक और योजना लॉन्च किया 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन 1952 में ही दोस्तों, उस योजना का नाम रखा सामुदायिक विकास कार्यक्रम। क्या रखा, नाम से लग रहा होगा आपको कि यह सामाजिक लोगों के विकास के लिए योजना शुरू की गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, ठीक है। तो ये चलता रहा। तो आपको पहला योजना समझ में आया, आंख बंद कर रटो, 51 से 56 हेराल्ड उमर, किसी सिंचाई उद्योग 2.1 लक्ष्य है, 36 प्राप्ति है, ठीक है, यानी 3.6 तुरंत याद रखो। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपके दिमाग में नाचना चाहिए, 56 से 61 पाँच साल में चल रहा है। और PC महलनोबिस, नाम तो सुना ही होगा, इन्होंने CSO की स्थापना में बड़ी भूमिका निभाई थी और पहले संस्थापक थे, ठीक है, CSO के, सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी, ठीक है, संगठन। तो PC महलनोबिस वही हैं, उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना को तैयार किया। पहला पंचवर्षीय योजना कितने रहता था, हेराल्ड उमर, द्वितीय वाले में PC महलनोबिस, और इसमें पूरी तरीके से उद्योग को फोकस किया गया क्योंकि जवाहरलाल नेहरू आपके प्रधानमंत्री थे और उनके दिमाग में था कि जब तक उद्योगों को बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तब तक भारत में रोजगार उपलब्ध नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि जिनके पास खेत है वो तो खेती कर लेंगे, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा भूमि ऐसा संसाधन है जो सीमित है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जिनके पास खेती नहीं थी, तो ऐसे में रोजगार का एक ही चांस था, वो क्या था कि सरकार उद्योग पर अपना ध्यान फोकस करे। 4.5 को लक्ष्य रखा गया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सरकार थोड़ा सा पीछे रह गई, 4.2, फिर भी बहुत अच्छा अचीवमेंट था, पहले से अच्छा अचीवमेंट था, ठीक है। और यहीं पर दोस्तों सरकार ने भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला में स्टील प्लांट को स्थापित किया। भिलाई वाला भिलाई है, बोकारो हो गया, या आपके रूस के सहयोग से प्लांट स्थापित किया गया क्योंकि अकेले भारत सरकार इतना नहीं कर पा सकती थी। ब्रिटेन के सहयोग से दोस्तों आपके दुर्गापुर का स्टील प्लांट स्टार्ट किया गया और राउरकेला में दोस्तों जर्मनी के सहयोग से, ठीक है। तो ये आपसे एक भी प्रश्न पूछता है, इसको भी आप याद रखना, ठीक है। चलो तीसरे पे आते हैं, 61 से लेकर 66 तक, ठीक है, 61 से लेकर 66 तक, ठीक है। और इसको तैयार किया जॉन सैंडी, सैंडी आप याद करो सैंडी चक्रवर्ती, ठीक है, सैंडी और चक्रवर्ती, ऐसे दो तो याद करो खाली आप, सैंडी और चक्रवर्ती, ठीक है, ऐसे याद कर लो, या तो आप याद कर लो जॉन चक्रवर्ती, जॉन सैंडी और चक्रवर्ती, तो इनका मॉडल कहा जाता है। फिर से याद करो, पहला कौन सा था, हेराल्ड उमर, दूसरा कौन सा था, PC महलनोबिस, तीसरा कौन था, सैंडी चक्रवर्ती, ठीक है, ऐसे करके। और तृतीय बारे में हमारा जो लक्ष्य रखा गया क्या रखा गया, तो हमने कहा कि यार आत्मनिर्भरता होनी जरूरी है क्योंकि हमने कृषि सिंचाई पर पहले ही फोकस कर चुके थे, उद्योग पर फोकस कर चुके थे। अब सरकार लोगों को यह समझाने में थी कि सबसे पहले आप सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओ, आत्मनिर्भर बनो कि हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सरकार भाई इतनी ज़्यादा जनसंख्या को देखभाल अकेले नहीं कर सकती। तो ऐसे में आत्मनिर्भर बनना बहुत ज़रूरी है ताकि अगर सरकार आपको कृषि संबंधी सुविधाएं नहीं प्रदान कर पा रही है, उद्योग में आपको रोज़गार नहीं दे पा रही है, तो आप आत्मनिर्भर बनो, आप कुछ स्वयं करो, आप स्वयं दुकान खोलो, स्वयं मेहनत करो, कुछ करो। इसलिए सरकार का अगला फोकस बना आत्मनिर्भरता और साथ में कृषि, कृषि तो मस्ट रहेगा, ठीक है। और लक्ष्य रखा गया 5.6 का, लेकिन यहाँ पर चूक गई सरकार, बहुत अच्छा पाई होती, अचीवमेंट बहुत अच्छा की होती। दिक्कत क्या होगा दोस्तों, दो युद्ध यहाँ पे लड़े गए, एक 1962 में चाइना के साथ इंडो चाइना वार हो गया, दूसरा 1965 में फ़ायदा उठा लिया किसने, हमारा पाकिस्तान ने, ठीक है, इंडो पाकिस्तान वार हो गया। तो दो दो लड़ाइयों में भारत इतना बिजी हो गया कि अपने पंचवर्षीय योजनाओं पर ध्यान नहीं दे पाया और यहाँ पर जो है आधे पे आ गए, ठीक है, जो लक्ष्य रखा गया था आधा पे आ गया। कहाँ हम लक्ष्य से ज़्यादा की प्राप्ति करते थे या लक्ष्य के बिल्कुल करीब रहते थे, अभी हम बिल्कुल कहाँ पहुँच गए, आधे पे, समस्या की वजह से पहुँचे, ठीक है। 1962 में चीन के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध, और इतना ही दोस्तों, 65 में दोस्तों एक भयंकर अकाल पड़ा
1965 से 1966 तक, ये महाकाल के नाम से जाना जाता है। और उस दौरान एकदम भारत की हालत एकदम टूट गई, और इसके बाद भारत अगली पंचवर्षीय योजना बनाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। 66 में जब यह पंचवर्षीय योजना समाप्त होती है तो भारत को चौथी पंचवर्षीय योजना बनाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, यहाँ पर चौथी पंचवर्षीय योजना नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि अकाल का प्रकोप प्लस देश की जो आर्थिक गतिविधियाँ थी वो एकदम टूट चुकी थी। दो दो युद्ध लड़ने के बाद भारत के पास अब उतना हिम्मत नहीं बचा था। दोस्तों यहाँ पर योजना अवकाश एक इंटरवल दिया गया और 3 साल की एक छोटी छोटी योजनाएँ चालू की गई, 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969। ठीक है, ये 3 योजनाएँ यहाँ लाई गई। तीनों योजनाओं का हेड कौन था? तो M.S. Swaminathan। M.S. Swaminathan ने क्या किया कि अब अकाल तो पड़ ही गया था, तो अब सरकार का फोकस खाद्यान्न पे था। सरकार का फोकस कहाँ आ चुका था? खाद्यान्न पे, कि ताकि सभी व्यक्तियों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा सके। और यहीं शुरू होता है भारत में हरित क्रांति। तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किसने किया है? M.S. Swaminathan ने किया है। अगर वर्ल्ड वाइड बात करेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग ने। समझ में आ गया आपको? एक एक रटते चलो। चलो पहला बताओ, पहला किसने किया था? हैराल्ड डोमर मॉडल था। दूसरा PC महालोबिस मॉडल था। तीसरा सैंडी चक्रवर्ती था। चौथा एक एक साल का था, ये M.S. Swaminathan। इसके बाद फिर से स्टार्ट होता है दोस्तों चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 में, जिस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, जिस समय इसरो की स्थापना हुई थी, याद रखिए वो पीरियड। ठीक है, तो 1969 से 74 तक ये चला। इसमें थे अशोक रुद्र और यस माने मॉडल। ठीक है, तो इसकी रणनीति तैयार किए थे दोस्तों गाडगिल ने इसकी रणनीति तैयार किए थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आगे गाडगिल मॉडल भी आएगा आपके सामने, आगे जो है गाडगिल मॉडल भी आएगा। ओके, तो अभी आप इसको देखते चलिए। तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना रुद्र और एस, ठीक है, रुद्र माने ऐसे याद कर लो, अशोक रुद्र याद कर लो। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हुआ कि अब स्थिर विकास की बात किया गया। ठीक है, अब खाद्यान्न उत्पादन हो चुका था 3 सालों में, हरित क्रांति में बड़ा जोर पकड़ लिया था, गेहूँ चावल खूब जम के उत्पादन हो रहा था। जो पहले किसान जो है 1300 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उत्पादन करते थे, आज उनकी स्थिति ये थी दोस्तों कि वो 3200 किलो जो है प्रति हेक्टेयर में उत्पादन करते थे। तो उनका आय दुगुना तिगुना नहीं 4 गुना तक वृद्धि हो गई, और एक अच्छी कंडीशन मिला। तो सरकार ने कहा कि अब हमें स्थिर विकास करना है, साथ ही आप आत्मनिर्भरता बनाए रखो ताकि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर सकें। 5.7 का लक्ष्य रखा गया, लेकिन फिर से 3.3 पे आके भारत सरकार का लक्ष्य जो है रुक गया। क्यों रुक गया? फिर से 1971 में दोस्तों भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया, और जब जब युद्ध होता है तो जान लीजिए कि हमारी फिर व्यवस्था क्या हो जाती है, चौपट होती है। ठीक है, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 में 74 तक चला, स्थिर विकास आत्मनिर्भरता अशोक रुद्र थे, लेकिन युद्ध के वजह से दोस्तों यह व्यवस्था भी थोड़ी सी कम रही। 5वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में आपको बताऊं तो योजना स्टार्ट हुई दोस्तों 74 से लेके 79 तक। ठीक है, इसके थे DP धर। कौन थे? DP धर। तो याद रखिएगा, गरीबी उन्मूलन की बात यहाँ किया गया और रोजगार सृजन का बात किया गया। अभी तक हमने कहीं गरीबी उन्मूलन की बात नहीं किया था। ठीक है, तो याद रखिए गरीबी उन्मूलन कहाँ पे बात किया गया, गरीबी के बारे में बात किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना। कैसे याद रखोगे? याद रखो, जब आदमी गरीब होता है तो भीख मांगता है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको बुरा मत मानना आप लोग, याद करने का तरीका है। भीख कैसे मांगेगा? हाथ से मांगेगा, हाथ फैला के, हाथ में कितनी उंगलियाँ? 5। तो 5 से याद रखना, गरीबी उन्मूलन की बात किया गया 5वीं पंचवर्षीय योजना में, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछता है। DP धर ने इसको तैयार किया था। 4.4 का लक्ष्य रखा गया, 4.7 की प्राप्ति किया गया। सरकार एक बार फिर से जो पहली पंचवर्षीय योजना में पाई थी वो फिर से 5वीं पंचवर्षीय योजना में अपने रफ्तार को बना लिया, और यहाँ पर उसने गरीबी का उन्मूलन भी किया और रोजगार सृजन भी किया। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, जनता पार्टी की सरकार थी 1978 में जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इस योजना को बीच में ही समाप्त कर दिया गया, लेकिन फिर भी इसने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया था, तो बीच में इसको रोक दिया गया था। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना को बीच में ही रोक दिया गया था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों अनवरत योजना। अनवरत योजना मतलब यह है रोलिंग प्लान। ठीक है, इसको जनता प्लान के नाम से भी जाना गया, रोलिंग प्लान। ये 78 से 80 के बीच में आया था रोलिंग प्लान। दोस्तों आपने पीछे पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था 1967 से 1968, 1968 से 1969, 1966 से 1967, 1967 से 1968, 1968 से 1969, ये 3 साल क्या हुआ, लगातार चला है आपका जो है योजना अवकाश। उसी तरह से यहाँ पे अनवरत योजना था, उसका नाम योजना अवकाश था, इसका नाम अनवरत योजना है, रोलिंग प्लान ये चला। यहाँ पर बस खाली प्लान पे प्लान बनाए गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। हमारा जो है 78, 79, 80 ये 2 साल पूरे बर्बाद हो गए। 80 में दोस्तों क्या हुआ, 6वीं पंचवर्षीय योजना आया 80 से 85 तक। गॉडगिल मॉडल था 80 से 85 तक, गॉडगिल मॉडल। ठीक है, याद रखिए गॉडगिल मॉडल, इंदिरा गांधी की वही सरकार थी। फिर से ऊर्जा, कृषि और गरीबी निवारण के बारे में फिर से सोचा गया। यहाँ पे जनता पार्टी आई, तो जनता पार्टी का देखिए, जनता पार्टी
करना तो बहुत कुछ चाहती थी लेकिन कुछ कर नहीं पाई, क्योंकि इससे आपसी पार्टी में इतने ज़्यादा मतभेद थे कि ये गद्दी को लेकर क्या लड़ बैठे, अब पूरी की पूरी पार्टी टूट गई और बहुत समय तक आई ही नहीं। ठीक है, तो याद रखिए ऊर्जा, कृषि और गरीबी निवारण के बारे में सबसे सोचा गया। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना आपको किस बारे में बता रही है? ऊर्जा के बारे में। इसके पहले कहीं भी ऊर्जा के बारे में नहीं कुछ कहा गया था, हालांकि गरीबी उन्मूलन के बारे में पाँचवीं पंचवर्षीय योजना थी, लेकिन ऊर्जा के बारे में छठवीं। ऊर्जा के बारे में क्या दोस्तों? छठवीं। ठीक है, चलिए 5.2 का लक्ष्य रखा गया, फिर से हम आगे निकल गए। तो पहली पंचवर्षीय योजना जरूरत से ज़्यादा पा गए, पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हम जरूरत से ज़्यादा पाएँ, छठवीं पंचवर्षीय योजना में भी जरूरत से ज़्यादा। अब आगे आप देखोगे सातवीं और आठवीं में भी ये 1, 5, 6, 7, 8 इसमें हमने जितना भी लक्ष्य रखा हर लक्ष्य को प्राप्त किया और आगे बढ़े लक्ष्य से। ठीक है, इसके बाद क्या है? सातवीं पंचवर्षीय योजना। सातवीं स्टार्ट होती है दोस्तों 85 से 90 में, और इस समय कौन थे? तो राजीव गांधी आपके प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और फिर से वही ऊर्जा और पर्यावरण के सब बारे में सबसे पहले सोचा गया। किसके बारे में? सातवीं पंचवर्षीय योजना में। तो आप याद रखो छठवीं में सबसे पहले ऊर्जा के बारे में सोचा गया है, सातवीं में सबसे पहले पर्यावरण के बारे में सोचा गया है। ठीक है, ये सब याद रखिए। 5% का लक्ष्य रखा गया, 6% की प्राप्ति हुई। इसके बाद फिर से वार्षिक योजना तैयार हुआ। क्या है वार्षिक योजना? आ गया दोस्तों यहाँ पर न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लाया जाना था। ठीक है, और विश्व में महामंदी का एक दौर चल रहा था, उस चीज़ को, वो चीज़ भारत में ना आए, इस चीज़ को रोकने के लिए थोड़ा सा भारत में कुछ परिवर्तन किया गया। यहाँ पर जो है आपके वित्त मंत्री कौन बनाए गए? मनमोहन सिंह। और आपके देश में जो पहले योजना थी आपकी क्या थी? लाइसेंसिंग, ठीक है, कोटा और परमिट की योजना थी, इन तीनों को समाप्त किया गया। व्यापार को एकदम उदार बनाया गया, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, माने उदारीकरण, निजीकरण और, ठीक है, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण, इन तीन चीज़ों को लाया गया, इसको आप फोकस करिएगा। ठीक है, तो ये योजना विहीन रहा, 90 से 92 तक हमने सिर्फ प्लान तैयार किया और उस प्लान के दौरान न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति का जन्म हुआ। आठवीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों 92 से 97 में चला, जॉन डब्ल्यू मिलर इसको, इस योजना को बनाए थे, जॉन डब्ल्यू मिलर, तो ऐसे याद कर लो। ठीक है, अब 91 आप ये देखो, स्टडी 91 पढ़ते हो तो 91 के बाद 92 आप याद रख लो। ठीक है, 91, ये 91 क्या है? आपका जान है, आपका जान है ना, कि जो आपको मिल गया, तो जॉन मिलर याद कर लो या जॉन डब्ल्यू मिलर याद कर लो। ठीक है, स्टडी 91 मिल गया, ये आपकी जान है, तो ऐसे करके याद कर लो। सबसे पहली दोस्तों मानव संसाधन के बारे में बात किया गया, किसके बारे में? मानव संसाधन के बारे में, किसमें? आठवीं पंचवर्षीय, फिर से मैं बता रहा हूँ, छठवीं में ऊर्जा, सातवीं में पर्यावरण, आठवीं में मानव संसाधन, ये नए नए पॉइंट्स हैं। ठीक है, 5.6 का लक्ष्य रखा गया और 6.7 का पाया गया। इसके बाद से आज तक कभी हमने लक्ष्य को पाया नहीं है, और यहीं पर सबसे पहले निर्यात को बल दिया गया कि हम एक्सपोर्ट पर भी काम करेंगे, क्योंकि अब वैश्वीकरण आ चुका था। इसके बाद आया दोस्तों नौवीं पंचवर्षीय योजना, तो 9, 10, 11, 12 यहां तक आपका क्या होगा? सभी प्लान किसने तैयार किए हैं? सबका सब प्लान प्रणब मुखर्जी फार्मूला पर माना जाता है। ठीक है, 97 से 2002 तक नौवीं पंचवर्षीय योजना, न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास, 6.5 का लक्ष्य रखा गया, 5.4 पाया गया। दसवीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 2007 तक, फिर से वही प्रणब मुखर्जी, रोजगार, ऊर्जा, सामाजिक अधोसंरचना और सतत विकास की बात किया गया। तो सतत विकास बोलता है, दसवें पे 10वां नंबर याद रखो, सतत विकास। 8 का लक्ष्य रखा गया, 7.8 तक पहुँचे हम लोग। 11वीं पंचवर्षीय योजना 7 से 12 तक प्रणब मुखर्जी आ गए, तीव्र एवं समावेशी विकास, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछता है, तीव्र एवं समावेशी विकास याद रखिए। सतत विकास कहाँ रहेगा? दसवें में, लेकिन समावेशी विकास किस में रहेगा? 11वें में। ठीक है, 8.1 का लक्ष्य रखा गया, 7.9 की प्राप्ति हुई, सब मतलब बहुत तेज चल रहा था यहाँ पे। 12वीं पंचवर्षीय योजना दोस्तों ये 12 से 17 तक चला है, प्रणब मुखर्जी थे, कुछ समय कांग्रेस के काल में था, बाकी समय मोदी जी के काल में था। तो इसका उद्देश्य क्या था? तेज, टिकाऊ और समावेशी विकास। तो 8% का लक्ष्य रखा गया और पाया कितना गया, तो ये आप हमें जो है बताइएगा। ठीक है, पाया कितना गया ये आप बताइएगा। तो ये दोस्तों हम लोगों ने इतना टॉपिक कंप्लीट कर लिया, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को ज़रूर से शेयर करिएगा, और अगर किसी भी तरह का एडवर्टीजमेंट आता है तो प्लीज़ दोस्तों उसको स्किप मत करिएगा, प्लीज़ आपसे विनम्र निवेदन है कि स्किप मत करिएगा। ठीक है, और शाम को आज आपका टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट को आप अटेम्प्ट करिएगा, देखिएगा कितना नंबर आपका आता है। आज ही शाम को मैं आपको इससे संबंधित 50 क्वेश्चन देने वाला हूँ, टॉप 50 क्वेश्चन। हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ा के तो मैं आपको रेडी कर ही दूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच।